अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। दोस्तों आपके साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के हवाले से बहुत बड़ी और अहम तरीन अपडेट शेयर करने जा रहा हूं कि क्या पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की ओडीआई सीरीज कैंसिल होने जा रही है। तो पीसीबी के जराये ने आप क्लियर कर दिया है। असल में दोस्तों बात जो है कि आपने खबरें बहुत सी सुनी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है वो पोस्टपोन हो जाएगी। और हो इस वजह से जाएगी क्योंकि कल पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च का आगाज होने जा रहे हैं इमरान खान की क्यादत में। तो जिस वजह से ये मैचेस पिंडी में रखे गए थे और पिंडी और इस्लामाबाद का फिर आपको पता है कि ट्रैफिक का मसला और अवाम का हजूम, तो ये सीरीज पिंडी में होना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन डिपेंड है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जिस तरह 5 जून को पाकिस्तान के अंदर आएगी और 8 को पहला मैच है, तो फिर हालात देखने पड़ेंगे कितनी देर जो है ये लॉन्ग मार्च चलता है, मतलब कितने दिन चलता है। तो लेकिन अब जो पीसीबी के जराए ने कन्फर्म किया है कि बिल्कुल जी सीरीज जो है वो कैंसल मैंसल जो है वो नहीं होने जा रही है, और हमने मुल्तान का विजिट कर लिया है और पिंडी में अगर सीरीज ना हो पाई तो हम बैकअप के तौर पर मुल्तान को देख रहे हैं और मुल्तान में जो है सीरीज होगी। और इसके अलावा लाहौर और कराची के अंदर आपको पता है पिचेस बन रही है, तो वहाँ पर मैचेज होना जो है वो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। तो मुल्तान बैकअप वेन्यू है, वहाँ पर भी मैचेस करवाना कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन पीसीबी ने कहा है कि हम इस तरह जो है अपनी वापस आई हुई क्रिकेट को इस तरह रुसवा नहीं कर सकते, सीरीज जो है वो ज़रूर होगी। तो देखना होगा कि आगे सिचुएशन क्या बनती है, पॉलिटिक्स की जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको अपडेट चले गए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर।